अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक। कैसे तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप भी एनसीपी के एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं और उसका यूज़र नेम और पासवर्ड बनाने में आपको मुश्किल पेश आती है, या अगर आपको नहीं पता कि उसका यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे बनाना है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप बगैर यूज़र नेम और पासवर्ड के अपनी एनसीपी के एप्लीकेशन को अपने एटीएम कार्ड के नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको कि आपने कैसे इसको लॉगिन करना है अपने एटीएम कार्ड से। तो इससे पहले, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की तो एनसीपी की एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन हो गई है। कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन है, एक लॉगिन और एक फास्ट लॉगिन। फास्ट लॉगिन पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप फास्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे, मादा कार्ड फ्रॉम एनसीपी, क्रेडिट कार्ड और अलहली फ़ोन। आपने मादा कार्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मादा कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपने अपने एटीएम कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखा होता है, 14 नंबर में भी होता है, वो अपना नंबर लिख देना है। मादा कार्ड के ऊपर जो नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे लिखने के बाद आपने अपना जो है कार्ड का, जो एटीएम कार्ड का पिन कोड है, वो आपने लिखना है। एटीएम कोड पिन कोड लिखने के आपको ने लॉगिन पे नीचे जो है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो जी गाइस, आप देख सकते हैं कि आप वो यहाँ पे कोड मांग रहा है, ओटीपी कोड। ये कोड आपको आपके नंबर पे जो आपने एनसीपी के बैंक में दिया हुआ है उस नंबर पे मिल जाएगा। आप वहाँ से आप अपना जो कोड है वो लिख कर लॉगिन कर दें। तो जी गाइस, देख सकते हैं कि मैंने एटीएम कार्ड का नंबर और पिन कोड लगा कर अपनी एनसीपी की एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। मुझे इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ी है। यहाँ से आप बहुत से चीज़ें अपने कर सकते हैं एनसीपी की एप्लीकेशन से। मतलब कि आप अपनी बेनिफिशियरी जो आपने सेव की हुई है उस पर आप अपना जो पैसे हैं वो भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने कंट्री में, और इसके अलावा आप यहाँ से मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक करें सद्दात पे, तो वहाँ यहाँ आपके सामने बहुत से ऑप्शन खुल जाएंगे कि आप इससे सद्दात की पेमेंट्स भी कर सकते हैं, अपशर की एक्टिवेशन भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ से बिल भी जमा करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि इससे दूसरों को भी फ़ायदा मिल सके। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने में आपको अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मसला पेश आता है, तो आप मुझे जो नीचे कमेंट्स बॉक्स है उसमें मैसेज ज़रूर करें। मैं आपको इंशाल्लाह लाजमी रिप्लाई दूंगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।